अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ क्रॉनिकल टेक की तरफ से आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है और कैसे आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट होती है डायनामिक वेब पेजेस को बनाना। डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं? डायनामिक वेब पेजेस होते हैं जिनका डाटा चेंज होता रहे वक्तन फवक्तन। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पे लॉग इन होते हैं और डिफरेंट पिक्चर्स देखते हैं, फाइल्स देखते होते हैं अपनी न्यूज़ फीड में। फिर जब लॉग आउट करते हैं और आधे घंटे बाद फिर जाके लॉग इन करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल नई पिक्चर नज़र आ रही होती है, नई फाइल नज़र आ रही होती है, वो डाटा चेंज हो गया है। इस तरह डाटा को डायनामिकली चेंज करवाना हो तो हम वेब डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते होते हैं। अब वेब डेवलपमेंट को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक बैक एंड डेवलपमेंट होती है। फ्रंट एंड में आ जाती है वेब डिज़ाइनिंग, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो चेक करके देख सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है और उसको आप कैसे सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बैक एंड डेवलपमेंट की। बैक एंड पे आती है डेटाबेस और डायनामिक वेब पेजेस बनाना। जैसे HTML में हम स्टैटिक पेज बनाते होते हैं, HTML और CSS को इस्तेमाल करते हुए अगर वेबसाइट बनाए ना हम, तो वहाँ पे पेजेस स्टैटिक होती है, बहुत ज़्यादा कोड हमें करना पड़ता है और हम कोड को रीयूज़ बहुत कम कर सकते हैं, मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि हम कोड को रीयूज़ करें। लेकिन अगर हम वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पेज बनाते हैं, मतलब हेडर के लिए हमने अलग से पेज बनाया एक, और बाकी तमाम पेजेस में सिर्फ इंक्लूड फंक्शन के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं PHP की, तो वेब डेवलपमेंट में जो इस्तेमाल होती है लैंग्वेजेस, उसमें पाइथन हो गया, रूबी एंड रेल्स हो गया और PHP हो गया। तो हम बात करेंगे PHP क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बड़ी साइट्स जैसे फेसबुक हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ये PHP में ही बनी है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म जो है, ड्रूपल हो गया, जूमला, मैजेंटो, इसमें PHP ही इस्तेमाल हुई है। तो हम PHP की बात करते हैं। PHP में हम डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और ये यूज़र जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल है क्योंकि इसमें आसानी के साथ कोडिंग कर सकते हैं बिगनर। इसलिए हम जब HTML और CSS करते हैं उसके बाद आप PHP पे जा सकते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं। इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि जो HTML आपने सीखी होती है उसको आप एम्बेड कर सकते हैं PHP के कोड के अंदर। मतलब हम जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा, डिज़ाइनिंग होगी, वो HTML में होगी और जो उसका जो बाकी बैकएंड होगा वो होगा PHP में और डेटाबेस में। डेटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं PHP के साथ MySQL, और जो लेटेस्ट यूज़ हो रही है वो MySQL आई है, जो कि MySQL का इम्प्रूव वर्जन है। उसमें हम जो डेटाबेस जितनी भी है PHP की वो उसी में बनाते हैं। SQL जैसे कि SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, उसी से फिर MySQL है। ये यहाँ वो SQL यूज़ होती है .NET के साथ और MySQL यूज़ हो रहा है यहाँ पे PHP के साथ। तो ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इसके, वो मैं आप chronicaltext.com पे जो फ्री कोर्सेज है वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा इसका, और PHP का भी और इसका साथ MySQL का भी, MySQL आई का। तो इन दोनों को हम साथ मिला के डायनामिक वेब पेजेस बनाते हैं और डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ इसी में आ जाता है। इस तरह हम वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं आसानी के साथ ऑनलाइन ही। तो अब वेब डेवलपमेंट सीखना क्यों ज़रूरी है? तो इस सवाल का जवाब तकरीबन हर किसी के पास है, जो हम टेक्नोलॉजी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वेबसाइट्स को कितना एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, फेसबुक को कितना यूज़ कर रहे हैं हम, व्हाट्सएप वगैरह हो गया। अब तो ये सारी चीज़ें बनी हुई है, ये कोड में बनी हुई है, कोडिंग में बनी हुई है। इसमें PHP यूज़ हुई है फेसबुक में, वर्डप्रेस में, और हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए जो चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वर्किंग क्या है, उनकी वो कैसे वर्क कर रही है, उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट सीखना। और दूसरा, आप इसको एज ए कैरियर लेके चल सकते हैं, मतलब आप कोई इसमें जॉब हासिल कर सकते हैं, कोई आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं इसमें, और इसके अलावा मार्केट में आप छोटे मोटे जो भी है वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेब PHP और दूसरी जो HTML CSS वगैरह को इस्तेमाल करते हुए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि वेब डेवलपमेंट क्या है, और उसमें जो लर्निंग रिसोर्सेज है वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं इसको ऑनलाइन ही। और जो इसमें सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा थोड़ा सा, और 6-7 महीने के अंदर आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं अगर आप काम करें कंसिस्टेंटली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।